गाइस व्हाट इफ सीरीज़ के एपिसोड 1 को रिलीज़ होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिससे कि अब इस बात की कन्फर्मेशन हो जाती है कि ये सीरीज़ हिंदी में आएगी या फिर नहीं। वेल तो आज के मैं इस वीडियो में इसकी हिंदी डब्ड अपडेट पे तो बात तो करूँगा ही, प्लस पॉइंट मैं इस वीडियो में इसके एपिसोड 1 के रिलीज डेट और रिलीजिंग टाइम पर भी बात करूँगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइज व्हाट इफ सीरीज एक अलग लेवल की सीरीज होने वाली है, पर एनिमेटेड। और यकीन मानिए कि अगर ये एनिमेटेड नहीं होता तो ये जैसा कोई भी सीरीज नहीं होता। ये लोकी सीरीज का भी रिकॉर्ड तोड़कर मोस्ट वॉच वाली सीरीज बन जाती डिज्नी प्लस की, क्योंकि इस सीरीज का स्टोरी ही ऐसा है जिसे देखने के लिए सब लोग एक्साइटेड हैं। जैसे कि इसके फर्स्ट एपिसोड में आपको पेगी कार्टर एज अ कैप्टन कार्टर दिखेंगी, जिसे सुपर सोल्जर सीरम दिया जाएगा। और कैप्टन अमेरिका जो स्टीव रॉजर्स हैं, वो हॉवर्ड स्टार्क का पुराना सूट C-15 को पहनेंगे। खैर इसके स्टोरी पे तो बात होती ही रहेगी, पर पहले बात कर रहे थे इसके रिलीज डेट और रिलीजिंग टाइम के बारे में। तो इसके रिलीज डेट तो आप में से मोस्टली लोग जानते ही होंगे, और वो डेट है 11 अगस्त का, मतलब वेटनसडे का दिन। और इसके रिलीजिंग टाइम पे बात करें तो इसे US के टाइम के हिसाब से 3 AM पे पब्लिश किया जाएगा। और जब US में सुबह 3 बजे प्रीमियर होगी तो आपको ये सीरीज 12:30 PM पे देखने को मिलेगा अपने इंडिया में, ऑनली ऑन डिज्नी प्लस पे। वैसे हो सकता है ये कुछ मिनट्स के लिए डिले भी हो जाए, तो टेंशन मत लेना, अप्रॉक्स 12:35 PM तक आपको देखने को मिल जाएगा। वेल तो रिलीज डेट और टाइम पे बात हो गई, तो अब बात करते हैं इसके हिंदी डबिंग के बारे में। तो इसे रिलीज़ होने में बस एक ही दिन बचा है और अभी तक इसकी हिंदी डबिंग की कन्फर्मेशन नहीं हुई है। तो इसका सीधा मतलब है कि इसे हिंदी में डब नहीं किया जाएगा, क्योंकि लोकी सीरीज के रिलीज़ होने से पहले ही इस बात की कन्फर्मेशन कर दी गई थी कि ये हिंदी में आ रही है। और इवन जितनी भी सीरीज आती है उसके 4 या 5 दिन पहले उसकी डबिंग की कन्फर्मेशन हो जाती है, पर ऐसा इस सीरीज़ के साथ नहीं हुआ है। तो एट द एंड्स आपको ये सीरीज हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा। वेल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके हर एपिसोड को हिंदी में समझा दूंगा। तो इसके लिए स्टे ट्यून करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।